नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में। तो एक ब्रूट फोर्स अटैक हमला क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक ब्रूट फोर्स अटैक। तो जो हमारे ब्रूट फोर्स अटैक है, ये पासवर्ड अटैक का एग्जांपल है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम पासवर्ड अटैक की बात कर चुके हैं, ठीक है। तो एक साइबर अटैक तो है ही, साइबर हमला तो ये है ही, ठीक है। तो अब ब्रूट फोर्स अटैक इज अ मेथड यूज्ड बाय अटैकर्स। तो ब्रूट फोर्स अटैक एक मेथड है, एक तरीका है, एक अटैक है, एक हमला है, एक साइबर अटैक है, साइबर हमला, एक पासवर्ड अटैक है, ठीक है। टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम और एनक्रिप्टेड डेटा by systematically trying all possible combination of password or encrypting keys until the correct one is found. तो brute force हमला एक प्रकार का तरीका है, method है, एक हमला है जो कि attackers हमलावरों के द्वारा किया जाता है unauthorized access प्राप्त करने के लिए। unauthorized का क्या मतलब है? अनधिकृत जो पहुंच है, प्रवेश है, वो प्राप्त करने के लिए किसी भी सिस्टम में, किसी भी जो encrypted data है उसका unauthorized अनधिकृत जो प्रवेश है वो प्राप्त करने के लिए जो हमला किया जाता है अटैकर्स के द्वारा सिस्टम को, एनक्रिप्टेड डेटा को सिस्टमेटिकली व्यवस्थित तरीके से, ट्राइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनको ट्राई करके, ठीक है, प्रयास करके, ऑफ पॉसिबल पासवर्ड ऑफ पासवर्ड्स और एनक्रिप्टिंग कीज अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एक पासवर्ड के हो सकते हैं या फिर एनक्रिप्टिंग जो कीज है उसके हो सकते हैं, जब तक कि करेक्ट वन जो सही वाला पासवर्ड है वो ना मिल जाए, तब तक वो क्या होता है, ट्राई करता रहता है, ट्राई करता रहता है व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि वो क्या कर सके, अनधिकृत तरीके से एक सिस्टम पे प्रवेश प्राप्त कर सके, पहुंच प्राप्त कर सके, एनक्रिप्टेड डेटा को प्राप्त कर सके। क्लियर है बात? यहाँ पर आप जो हमारा चित्र है, फिगर है, उसको देख सकते हैं। एक हैकर है, अटैकर है हमारा, जो क्या एक ऑटोमेटेड टूल का यूज कर रहा है। जो ऑटोमेटेड टूल यूज क्या करेगा, ऑटोमेटेड टूल मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाएगा अपने पासवर्ड के, मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स करेगा एक विक्टिम मशीन पर। विक्टिम क्या है? जिसको शिकार करना है उसको, जो हमारा जो अटैकर है, जो हमलावर है, जिस मशीन को वो शिकार बनाएगा, जिसका डेटा उसको चाहिए, ठीक है, जिस सिस्टम में उसको घुसना है उस पर क्या करेगा, मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स करेगा, ठीक है। इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। सपोज यू हैव अ डिजिटल लॉक ऑन योर फ्रंट डोर। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल मान रहे, मान लीजिए एक दरवाजा है आपके घर का, उस पे क्या है, एक डिजिटल लॉक लगा हुआ है, ठीक है। दैट रिक्वायर्स फोर डिजिट पिन टू अनलॉक। जो इसको क्या चाहिए, फोर डिजिट का, चार जो हमारे अंकों का क्या चाहिए, एक पिन चाहिए, ठीक है, अनलॉक करने के लिए, उसको खोलने के लिए। एन अटैकर अटेम्प्ट्स अ ब्रूट फोर्स अटैक वुड सिस्टमैटिकली ट्राई इवन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फोर डिजिट्स। तो एक अटैकर जो हमलावर होगा वो क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा, सारे प्रयास करेगा एक ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू सिस्टमेटिकली व्यवस्थित तरीके से सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनको ट्राई करेगा, ठीक है। अंटिल दे स्टंबल अपॉन द करेक्ट वन, जब तक कि वे एक करेक्ट वन जो सही वाला पिन है उस तक ना पहुंच जाए। दिस कुड इन्वॉल्व ट्राइंग, जैसे कि वो ट्राई करेगा 0000, 0001, 0002 एंड सो ऑन, इस तरीके से वो ट्राई करता रहेगा जब तक कि दे फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेन एक्सेस एट योर होम, जब तक कि वो करेक्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है उनको ना मिल जाए, ताकि वो आपके घर में घुस सके, एक्सेस प्राप्त कर सके। तो आपके घर में किस लिए घुसेंगे, वो आपकी चीजों को चोरी करने के लिए, ठीक है, आपके डेटा को चोरी करने के लिए। तो ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर डोर का लिया, यहाँ पर आप कंप्यूटर सिस्टम का भी ले सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को अनलॉक करने के लिए, या फिर किसी सर्वर का ले सकते हैं, ठीक है, उसको अनलॉक करने के लिए किसी पिन की जरूरत है, पासवर्ड की जरूरत है, ठीक है, तो उसके लिए ब्रूट फोर्स अटैक का इस्तेमाल किया जाए। तो ये ब्रूट फोर्स एक तरह से जबरदस्ती वाला अटैक है, हर संभव प्रयास करेगा ये उसको अनलॉक करने के लिए, ठीक है, सारे के सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसको ट्राई करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।